हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप पे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर 11 3D मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को करवाया था, जिसको मेथड फर्स्ट से कराया था। अब मैं इसको कराऊंगा मेथड नंबर सेकेंड, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। एक प्लेन है जो कि पास होता है -1, 3 और 2 से, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, और परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, यही प्लेन या फर्स्ट प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे भी, और यही वाला प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे भी, ठीक है फ्रेंड। अगर ये प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, और इस प्लेन का भी नॉर्मल पे इस पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है फ्रेंड। तो मेरे को वो नॉर्मल निकालना है इस इक्वेशन का, वो नॉर्मल निकालना है जो इन दोनों पे क्या हो, नॉर्मल हो, इन दोनों प्लेन पे क्या हो, नॉर्मल हो, ठीक है फ्रेंड। अगर दो वेक्टर का मुझे एक नॉर्मल निकालना होगा, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, ए क्रॉस बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ए क्रॉस बी। तो मैं इन दोनों प्लेन का ए क्रॉस बी निकालूंगा, वहां से मेरा नॉर्मल निकल जाएगा, और वो नॉर्मल किसका होगा, वो इस वाले प्लेन का नॉर्मल होगा, ठीक है फ्रेंड। तो शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की, आपको थोड़ा शायद हल्का हल्का समझ में आया हो, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो इस प्लेन की इक्वेशन बनानी है, तो उसका फॉर्मेट क्या है, अगर हमें एक पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन हो और उसके डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, जो कि मेरे को दे रखी है, ए ब्रैकेट एक्स माइनस में एक्स वन प्लस बी ब्रैकेट वाई माइनस में वाई वन प्लस सी ब्रैकेट जेड माइनस में जेड वन। तो मेरे पास पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा, पहले तो पासिस थ्रू पॉइंट क्या दे रखा है, -1, 3 और 2। तो मैं क्या बना लूंगा इससे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। तो मेरे पर इसके डायरेक्शन रेशियो तो गिवन नहीं है, तो मैंने डायरेक्शन रेशियो तो एज इट इज रखे, एक्स माइनस में एक्स वन, एक्स वन कितना होगा, माइनस का वन माइनस माइनस प्लस, बी मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर लिखा मैंने वाई, y1 कितना मेरा 3 प्लस सी, ठीक है, z, z मालूम नहीं है, z1 कितना है 2, इक्वल कर दिया 0 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। पासिंग थ्रू पॉइंट तो मैंने डाल दिए, बट इसके डायरेक्शन रेशो मालूम नहीं है, ना तो a मालूम है, ना b मालूम है, ना c मालूम है, ठीक है फ्रेंड। ए बी सी क्या है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है, इसका नॉर्मल निकालना मुझे, उस नॉर्मल में क्या मिल जाएंगे मेरे को, इसके डायरेक्शन रेशो मिल जाएंगे। अब नॉर्मल क्या है, वो इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इन दोनों प्लेन का मेरे को वो नॉर्मल निकालना है जो इन दोनों प्लेन पे क्या हो, नॉर्मल बनाता हो। तो दोनों प्लेन पे नॉर्मल बनाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सो रिक्वायर्ड इज नॉर्मल इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्लेन एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल फाइव एंड थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। मान लो ये मेरा वेक्टर ए है, जस्ट इमेजिन, मान लो ये मेरा वेक्टर ए है और मान लो वेक्टर बी है, ठीक है। इन दोनों का, इन दोनों पर बनने वाला नॉर्मल है वो कौन होगा, वो ए क्रॉस बी होगा, कौन होगा, ए क्रॉस बी। वो नॉर्मल मेरा क्या होगा, वो इस प्लेन का नॉर्मल होगा, वो क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल होगा। तो मैं इन दोनों का क्या निकाल देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता हूँ, मैं लिखूंगा रिक्वायर नॉर्मल, ठीक है फ्रेंड। अब नॉर्मल की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, आई जे के की फॉर्म में होती है। तो नॉर्मल निकालने के लिए मैंने क्या लिखा, बेसिकली मेरे को इन दोनों का क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए, ए क्रॉस बी। तो आई जे के, इनके साथ में क्या दे रखा है, वन, इसके कॉफिशेंट 1, 2 और 3, इसके क्या दे रखे हैं, 3, 3 और 1, ठीक है फ्रेंड। तो मैं इनको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, पहले लिखा मैंने आई ब्रैकेट, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, यानी वन और वन, टू हुए, टू इवन पोजिशन है इसलिए पॉजिटिव का रहता है ये, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितने, 1 और 2, 3, 3 यानी कि ऑड पोजीशन है, तो ये किसका रहेगा, नेगेटिव का, प्लस के, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 और 3 कितना हुआ, 4,
तो किसका रहेगा पॉजिटिव का, सॉरी इवन पोजिशन पे आ गया। तो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे, टू वन जा टू माइनस थ्री थ्री जा नाइन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वन वन जा वन एंड थ्री थ्री जा नाइन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थ्री वन जा थ्री एंड थ्री टू जा सिक्स, कर लिया। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना है माइनस में सेवन आई माइनस में एट एंड प्लस के कितना है माइनस में थ्री, माइनस में है मेरा थ्री, मैं लिखूँगा माइनस में सेवन आई प्लस में एट जे एंड माइनस में थ्री के। तो जो मेरे ये आई जे के आए ये नॉर्मल आ गया, किसका आ गया इस प्लेन का, रिक्वायर पी ले का गुना आ गया मेरा नॉर्मल आ गया। तो जो डायरेक्शन रेशो बनेंगे क्या बनेंगे, मैं लिखूँगा डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, उसके डायरेक्शन जो कौन बन जाएंगे माइनस का सेवन एट और माइनस का थ्री बन जाएगा, इनको उठा के मैं पुट कर दूंगा वन में, पुट इन वन, ठीक है फ्रेंड, इनको उठा के मैं किस में रख दूंगा वन में रख दूंगा। तो फ्रेंड इक्वेशन नंबर वन को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, और जो डायरेक्शन रेशो मैंने निकाले वो भी मैंने यहाँ रख दिए, मैंने तीनों डायरेक्शन रेशो को उठा के इसमें पुट कर दूंगा, जो मेरे ए बी सी थे ना वो मेरे डायरेक्शन रेशो थे। तो यहाँ रखा मैंने माइनस का सेवन एक्स प्लस वन, बी की जगह रख दिया मैंने एट को वाई माइनस में थ्री, और सी की जगह रख दिया मैंने माइनस थ्री को जेड माइनस में टू, इक्वल ले लिया जीरो के, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस में सेवन एक्स माइनस में सेवन एट वाई एट थ्री जा 24 एंड 3z माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 6 इक्वल टू 0। तो यह माइनस में 7x प्लस में 8y माइनस में 3z एंड माइनस का 7 माइनस का 24 माइनस का हो गया ये दोनों को ऐड करें माइनस का 31 तो यह आ जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये माइनस का इधर ले जाएंगे इसको आ जाएगा प्लस का 7x प्लस 8y माइनस का 3z, ये मेरे रिक्वायर प्लेन की क्या आ गई इक्वेशन आ गई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज 7x प्लस 8y प्लस 3 सॉरी माइनस में 3z इक्वल टू 25, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाए, जो मैंने आपको दूसरे मेथड से कराया, पहले मेथड से मैंने उनको पिछली वीडियो में कराया था, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट खोलना 3D की, उसमें आपको मिल जाएगा मेथड, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। ओके बाय बाय, थैंक यू।